पौड़ी के ब्लॉक सभागार में विकास स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी नाटकों की महिला मंगल द्वारा प्रस्तुतियां दी गई है। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी दिनेश नेगी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी नरेश रावत मौजूद रहे। वहीं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी नरेश रावत ने कहा कि विकास खंड स्तरीय युवा महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला दल जनपद स्तरीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेगा। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। ये युवा महोत्सव प्रतिवर्ष जो है विकास खंड स्तरीय आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कि विकास खंड के महिला मंडल प्रतिभाग करते हैं। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य, एकांकी नाटक की जो प्रस्तुतियाँ हुआ, एक प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित किया थी। जो भी दल इसमें यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है वो जनपद स्तर के लिए ऑटोमेटिकली चयनित हो जाता है, और जनपद स्तर में भी जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर तक इस पर प्रतिभाग कर सकता है। ये युवा महोत्सव है लोक स्तरीय, और इसमें 15 साल से लेकर और 40 साल से तक के जो भी युवा महिला हैं या जो भी वो प्रतिभा कर सकते हैं, और यहाँ से जो जीतेगा फर्स्ट जो आएगा हर प्रतियोगिता में एकांकी नाटक, और इस समय जो फर्स्ट आएगा वो फिर जिला स्तर पर करेगा, और जिला स्तर से जीतेगा वो फिर प्रदेश स्तर पर जाएगा।